हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ साइकिलिंग के लिए। तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, अभी मैं हूँ इस्कॉन टेंपल सेक्टर 13 में, यहाँ से अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करिए। तो आप सामने देखो, इस्कॉन टेंपल का मंदिर है और यहाँ से ही मैं अपना साइकिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और वापस यहीं पर हम फिनिश भी करेंगे। तो आगे चलते हैं, रास्ते में फिर बात करते हैं। तो गाइस, ये है द्वारका का इस्कॉन टेंपल जो कि सेक्टर 13 में है और आज की जो साइकिलिंग है मैंने यहीं से स्टार्ट करी है। तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, आप अगर द्वारका में रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सेक्टर 13 का पार्क, आजकल पार्क में काफ़ी भीड़ होता है, लोग बहुत सारे लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं। तो गाइज, ये है द्वारका का वेगास मॉल। आप जब इस्कॉन टेंपल से आगे आकर के जब आप लेफ्ट लोगे तो ये वेगास मॉल मिलेगा। ये भी लॉकडाउन से पहले ही ये वेगास मॉल स्टार्ट हुआ था और इसकी किस्मत देखो कि जैसे ही स्टार्ट हुआ ये वेगास मॉल, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ा मॉल है द्वारका का, बोले तो यही एक मॉल ही है पूरा द्वारका में। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, यहाँ पे प्रीमियर क्लास की पीवीआर है और ये है मेट्रो। तो आगे सेक्टर 14 है और इधर सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन है। तो सेक्टर 13 और 14 मेट्रो स्टेशन के बीच से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सेक्टर 13 से सेक्टर 14 की ओर जाएंगे। तो गाइस, सामने है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सेक्टर 14 में है। अब इस रेड लाइट से हम लोग लेफ्ट लेंगे। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा, तो गाइस, जब आप रोड पे कुछ भी चलाते हो तो एटलीस्ट आप ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते रहो। और गाइस, ये है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस, ये साइकिलिंग पे मेरा पहला वीडियो है और आई होप कि आप लोग इसको इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले एक दो हफ्तों से मैं द्वारका के अलग अलग सड़कों पर साइकिलिंग कर रहा था। तो गाइस, मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना एक साइकिलिंग रूट आइडेंटिफाई किया जाए द्वारका में, ताकि जब भी समय मिले तो उस रूट पे साइकिलिंग करके आ जाएं। तो गाइस, इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली मैंने एक रूट आइडेंटिफाई किया है द्वारका में और यह जो रूट है वो 15 किलोमीटर का रूट है। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इस्कॉन टेंपल से स्टार्ट किया था साइकिलिंग और वापस वहीं पर फिनिश करूँगा। तो मैं यह पूरा रूट आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप द्वारका में रहते हो तो आप इस रूट पे साइकिलिंग कर सकते हो। तो भाई, यह जो रूट मैंने आइडेंटिफाई किया है ये दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहली बात सेफ्टी, दूसरा ट्रैफिक, तीसरा रोड कंडीशन। तो भाई, ये जो रूट है ये बिगनर्स के लिए है, जिन लोगों ने साइकिलिंग स्टार्ट करी है। आपको 15 किलोमीटर के रूट में आपको साइड लेन भी मिलेंगे, ये साइड लेन है। तो आप चाहो तो मेन रोड में नहीं चलाना चाहते हो तो आप साइड लेन में चला सकते हो। दूसरा, ये पूरे 15 किलोमीटर के रूट में बहुत कम ट्रैफिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत कम गाड़ियां मिलती है, सड़कें चौड़ी है और सबसे बड़ी बात कि इस रूट में गड्ढे नहीं है, रोड बिल्कुल ही ख़राब नहीं है। तो आज मैं इसी 15 किलोमीटर के रूट को कवर कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। Oh, oh, oh.
एक गोल्फ लिंक रोड है जो कि आगे नजफगढ़ वाले रोड से मिलता है। तो ये रूट बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे मैक्सिमम रूट पे आप देखोगे तो आपको साइड लेन मिलेगा जहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो अगर आप मेन रोड पे नहीं करना चाहते हो। तो गाइस इस रूट की सबसे बड़ी खासियत है कि कहीं पे भी रोड में गड्ढे नहीं है, और चूँकि यह रूट मैंने बिगनर्स के लिए आइडेंटिफाई किया है तो इस रूट पे कहीं पे फ्लाईओवर्स नहीं है, कहीं पे आपको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही प्लेन रूट है। रेड लाइट कम है, ट्रैफिक आपको थोड़ा सा गोल्फ लिंक वाले रूट में मिलेगा। और आगे जा कर के हम लोग फिर लेफ्ट टर्न ले लेंगे और वो रूट बिल्कुल ही खाली है। रेड लाइट से लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेकर के हम लोग जाएंगे साइड लेन में। आपने देखा होगा कि मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी थी सेक्टर 13 इस्कॉन टेंपल से, और वहां से साइकिलिंग करते करते अभी मैं गोल्फ लिंक रोड पहुंचा हूं। तो गाइज मैं क्योंकि वीडियो शूट करते हुए जाता हूँ इसलिए मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा है। तो गाइज़ मैं दिल्ली के द्वारका में रहता हूँ, और अगर आप लोग द्वारका में रहते हो तो इस रूट पे साइकिलिंग कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे साथ भी साइकिलिंग कर सकते हो। तो गाइज़ मैंने इंस्टाग्राम का आईडी डाल रखा है नीचे, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, हम लोग मिलेंगे और साथ में साइकिलिंग भी करेंगे। आई होप कि हमें बहुत ही मज़ा आएगा। तो गाइज़ यह रूट बहुत ही अच्छा है, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं आगे, बाकी के रूट भी मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप गाइज कि वीडियो आप इंजॉय कर रहे होगे, और तो गाइज वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा उसमें, और भी नई नई चीज़ें के बारे में मैं आपको दिखाऊँगा, नए नए रूट्स आइडेंटिफाई करूँगा। तो गाइज आज का वेदर तो बहुत अच्छा है, सनलाइट नहीं निकली है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होगे कितना ज़्यादा पसीना निकल रहा है। बादल लगे हुए हैं बट अभी बारिश नहीं हो रहा है। तो चलते हैं आगे, फिर आगे मिलते हैं, बाकी का रूट मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो अभी तक डिस्टेंस कवर किया है वो है 7.22 किलोमीटर, और टाइम लगे हैं 50 मिनट, और मैं यह रूट फॉलो कर रहा हूँ। द्वारका सेक्टर 11 का मेट्रो स्टेशन। तो आई होप कि आपको गाइज रूट याद हो गया होगा। सेक्टर 12 बी का मार्केट गाइस, और वो है रेडिसन ब्लू होटल सेक्टर 12 में। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, हमारा जो आज का साइकिलिंग है वो फिनिश होने वाला है। बस 200 मीटर की डिफरेंस पे इस्कॉन टेंपल है, हमने तो सामने इस्कॉन टेंपल से अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करी थी आज, और वापस हम वहीं पे आ गए हैं। और ये रहा इस्कॉन टेंपल, यहीं पे सुबह 7:30 में मैंने अपनी साइकिलिंग स्टार्ट करी थी। तो गाइस हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं, हमारी आज की जो रूट है वो फिनिश हो गई। आप देख सकते हो टोटल है 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 घंटे 22 मिनट, और ये रहा 1 सेकेंड। तो गाइस ये रहा आज का रूट, आपको दिख नहीं रहा होगा,
टोटल हमने जो मैप में दिखा रहा है 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बीच में मैंने कुछ अपना जो मोबाइल है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था, इसीलिए वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। तो ये टोटल रूट है ये 14-15 किलोमीटर का है। और आज का जो साइकिलिंग था आज मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोज़ में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, मैं कुछ फ़न राइड भी करूँगा और इससे लंबी डिस्टेंस का भी राइड करूँगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।